Hello everyone, my name is Dev and welcome to my YouTube channel Marvelous Gaming. First of all guys, I really want to apologize कि काफ़ी महीनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है. Although कि मैंने जस्ट रिसेंटली ही YouTube शुरू करी है, but जैसे ही मैंने स्टार्ट करी, दो तीन वीडियोज़ अपलोड करे उसके बाद नो कंटिन्यूसली everything is going marvelously bad. मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ इन कुछ महीनों में. दरअसल दोस्तों बात ये हो गई थी कि जैसे ही मैंने अपना थर्ड वीडियो अपलोड किया, उसके बाद मैंने फोर्थ वीडियो के लिए पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया. आई वॉज रेडी टू मेक वीडियो, बट तभी मेरे साथ एक हादसा हो गया. जी हाँ, मैं क्या बताऊँ हादसे के बारे में. उसके बारे में सोचने से ही लाइक मुझे अब भी वो दर्द महसूस हो रहा है. मैंने पूरी वीडियो लगभग कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद आई मीन रिकॉर्डिंग, सो सारे फाइल्स मैंने अपने सिस्टम में कॉपी कर लिए थे. बट उसी दिन बहुत तेज हवा बारिश हो रही थी और मैंने अपने लैपटॉप को चार्ज पे रखा हुआ था, देन बिजली कड़कने की वजह से मेरा लैपटॉप गया, मतलब समझ रहे हो, पूरी तरह गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. देन वो टर्न ऑन नहीं हो रहा था. फिर मैंने उसका हार्ड डिस्क चेक किया. हार्ड डिस्क पे चलो किस्मत अच्छी थी कि एटलीस्ट हार्ड डिस्क में फाइल्स रह गए थे, जो रिकॉर्डेड फाइल्स थी. इतनी खुशी क्योंकि मैंने अपने मोबाइल से पूरा का पूरा निकाल दिया था. मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ 1080p पे, तो उसकी साइज काफ़ी बड़ी रहती है. और जैसे कि आप जानते हो, आजकल के मोबाइल्स में सिर्फ इनबिल्ट मेमोरीज ही आती है. सो मैंने उसको निकाल के अपने सिस्टम पे डाल दिया था. देन ये हो गया मेरे साथ, ये हादसा हो गया. उसके बाद हार्ड डिस्क पे मेरी फाइल्स बची हुई थी, सो आई थॉट कि चलो एटलीस्ट फाइल्स तो है, लैपटॉप तो गया मेरा जिस पे मैं यूजुअली एडिटिंग करता हूँ. ऑल्दो वो बेसिक वाला लैपटॉप था, जैसे तैसे टाइम लगता था, बट फिर भी मैं एडिट कर लेता था. एटलीस्ट कुछ तो था तब मेरे पास. देन मैंने कुछ दिन के बाद में मैंने एक नया लैपटॉप अरेंज करा एंड मैंने अपना हार्ड डिस्क उस पर शिफ्ट किया एंड नए लैपटॉप पे काम करना शुरू किया. जैसे ही मैंने पूरा का पूरा लगभग वीडियो कंप्लीट कर ही दिया था, लाइक मैं एक्सपोर्ट करने ही वाला था, देन दूसरा हादसा हो गया मेरे साथ. एंड वो हार्ड डिस्क मेरा, वो लैपटॉप लिटरली एक्चुअली ब्लू स्क्रीन पे चला गया. आप में से जो भी पीसी यूज़ करते हैं उन सभी को पता होगा ब्लू डेड स्क्रीन कौन सा होता है. देन वो गया, उसके बाद मैंने उसको रिस्टार्ट वगैरह किया. देन आई थॉट कि मे बी सम सॉफ्टवेयर ग्लिच होगा, इशू ठीक हो जाएगा. देन मेरे साथ हो गया दूसरा हादसा. तब मुझे पता चला कि उस हार्ड डिस्क पे जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी इतनी मेहनत से, हो गया क्रैश, ऑल डेटा गॉन. नाउ उसके बाद लिटरली मुझे वो चौथा वीडियो बनाने का लाइक पूरा का पूरा मन हट चुका था, बिकॉज नाउ मेरे पास ना लैपटॉप थी ना हार्ड डिस्क थी. जिस लैपटॉप में मैं कनेक्ट करके अपना पुराना हार्ड डिस्क चला रहा था, वो हार्ड डिस्क तो गया. अब मैं करूँ तो क्या करूँ. सो गाइस, फिर मैंने किया थर्ड लैपटॉप का जुगाड़. मैंने एक लैपटॉप अरेंज करवाया. जब मैं उस पर सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉल करे, ना उस पर प्रीमियर प्रो चल रहा था, ना उस पर एफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स चल रहा था. नॉर्मल सी कोई भी वीडियो एडिटिंग वाली सॉफ्टवेयर जो यूज़ करता था वो क्रैश हो रहे थे आफ्टर सम टाइम. सो सेम लंबी वीडियो में, जैसे कि गेमिंग की वीडियोज ऑलमोस्ट होती है 45 मिनट्स, 1 आवर का मैं जो एपिसोड बनाता हूँ, वो लिटरली वो क्रैश कर रहा था. वो उसको फैच ही रेंडर ही नहीं कर पा रहा था. लिटरली अभी कुछ दिनों के लिए रहने तो मैं छोटे मोटे वीडियोज मोबाइल्स पे बनाता रहा, बट कुछ हो नहीं पाया उन वीडियोज का. सो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. सो मैं उसके वीडियो से सेटिस्फाइड था ही नहीं, तो मैं क्यों अपलोड करूँगा, मैं कैसे अपलोड कर सकता हूँ. देन गाइज, उसके बाद आई थॉट कि चलो अब टाइम आ ही गया, तो मैं एक नया पीसी बिल्ड कर लेता हूँ. बट उस पर भी एक बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी कि तब लॉकडाउन चल रहा था, शॉप्स बंद थे, कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, ऑनलाइन डिलीवरीज नहीं हो रही थी. ऑफकोर्स बजट, उस टाइम पे लॉकडाउन पे पीसी बिल्ड पे मैं बजट कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ.
सो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चलती रहे, धीरे धीरे शॉप्स खुलने लगे एंड मैं भी धीरे धीरे इधर उधर से पीसी के यू नो बिल्ड की सोच रहा था। बट ट्रस्ट मी आफ्टर लॉकडाउन सारे के सारे पीसी कंपोनेंट्स पीसी पार्ट्स के रेट्स आसमान छू चुके थे। सो कोई भी कंपोनेंट्स ले लो, मदरबोर्ड ले लो, आप सीपीयू ले लो, ग्राफिक्स कार्ड की तो बात ही मत करो, वो तो इस कैटेगरी से काफ़ी ऊपर चला गया। देन रैम हो गया, कुछ भी ले लो आप, ज़्यादा प्राइस पे बिक रहा था। ऑफकोर्स उस वक्त पे पीसी बनाना इज़ लाइक लिटरली यू नो वो प्राइस टू परफॉर्मेंस वाला रेशियो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं था। बट उस बीच मुझे कुछ कुछ सामान जो छोटे मोटे जो मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ बनाने के लिए यूज़ कर सकूँ वो सब मैं धीरे धीरे लेता गया, जो भी मुझे अवेलेबल थी गुड प्राइस पॉइंट पे, जब भी मुझे मिलता गया मैं उसे ले लिया। जैसे कि मैंने एक ट्राईपॉड लिया था, देन लाइट सेटिंग के लिए मैंने कुछ कुछ सामान लिए थे। उसके बाद मैं धीरे धीरे ये देखिए ये सारे सामान आपको दिख रहे हैं, जैसे कि आई थॉट कि मोबाइल से यू नो बेटर होगा मैं एक वेबकैम ले लूँ जो एक जगह बैठ कर मैं बना सकूँ। तो मैंने कुछ सामान लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा ज़ेब्रॉनिक्स का वेबकैम जो मैंने ज़ेब अल्टीमेट प्रो लिया था। उसके बाद यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ ऑडियो भी काफ़ी मायने रखती है एंड हम जैसे यू नो जो लिटरली बिगिनर्स है उनके लिए ये माइक, इसके बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे, दिस इज़ बोया M1। सो मुझे ये भी काफ़ी अच्छी सारी प्राइस में मिल गई थी। दिस इज़ कॉस्मिक बाइट्स ब्लेजर हेडसेट, गेमिंग हेडसेट। सो वह जैसे मैं इसकी इंडिविजुअल वीडियो डालूंगा, सो प्लीज़ चेकआउट करना। काफ़ी सारे टेक पीछे अवेलेबल है, PS4 एंड ऑफकोर्स आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने नोटिस किया, यहाँ पे तीन चीज़ें सबसे यू नो ज़्यादा स्पेशल है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आपके भाई ने इन कुछ महीनों में ही जैसे ही पोको F3 GT मार्केट पर लॉन्च हुआ पहली सेल पे पहला मॉडल ऑर्डर किया है एंड राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस फ़ोन। एंड जो भी गेमिंग लवर्स होंगे उनको ज़रूर पता होगा ये फ़ोन स्पेशली किसके लिए आई। दिस फ़ोन कम्स विथ मैगलाइफ ट्रिगर्स, जी हाँ, जिसमें हम PUBG एंड आपके कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेल सकते हैं। लिटरली ट्रिगर्स आता है मोबाइल के ऊपर पे। दिस कम्स विद Dimensity 1200 CPU। इसकी मैं पूरी रिव्यू ज़रूर बताऊंगा, मैंने काफ़ी अच्छे से इसे यूज़ किया है। इसके प्रोस कॉन्स जो भी है ना मेरी एक्सपीरियंस है मैं खुद की ज़रूर शेयर करूंगा। ये रही एक चीज़, उसके अलावा जो दो बेस्ट चीज़ है, सो गाइस इसको देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी PC बिल्डिंग की यू नो कॉम्पोनेंट्स मैं धीरे धीरे मंगाना शुरू कर चुका हूँ एंड मैं अपनी PC बिल्ड करने वाला हूँ AMD Ryzen 5 5600G के साथ में। और ये मैंने उसके लिए एक RAM लिया है सिंगल स्टिक 16GB DDR4 32 MHz के साथ में। गाइस लिटरली राइट नाउ मार्केट पर प्राइजेस काफ़ी जंप हो रहे हैं और काफ़ी यू नो एक्सपेंसिव बिक रहे हैं, बट ये कंपोनेंट्स मैंने ढूंढ ढांड कर निकाली हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद काफ़ी सारे कंपोनेंट्स कई अलग अलग स्टेट से, कई अलग अलग वेबसाइट से, कई अलग अलग डीलर से मैंने बात करके सारे एक एक कंपोनेंट्स मैंने अलग अलग जहाँ से जहाँ पे मुझे प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो अच्छा मिला मैंने वहाँ से उसे मंगवा लिया। सो राइट नाउ दो चीज़ें आ चुकी हैं, मदरबोर्ड PSU एंड उसके बाद SSD NVMe SSD M.2 वाला, देन कैबिनेट एंड जो मॉनिटर मेरे पीछे रखा हुआ है जिसपे आप मेरा मार्वलस गेमिंग का लोगो देख सकते हैं, मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। मेरे पास ऑलरेडी वायरलेस कीबोर्ड माउस एवरीथिंग इज़ अवेलेबल राइट नाउ, जस्ट कुछ कंपोनेंट्स आ जाए देन आई स्टार्ट माय PC बिल्डिंग वीडियो एंड मैं एक एक कंपोनेंट्स के रिव्यूज़ आपको ज़रूर बताऊँगा, उसकी ओपनिंग्स अनबॉक्सिंग उसकी एक्सपीरियंस एंड मैंने क्यों लिया है। एक कंप्लीट गेमिंग PC बिल्डिंग वाला वीडियो भी मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। राइट नाउ मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, ये तो मैं छोटा मोटा वीडियो डालते रहूँगा बट जैसे ही मेरा PC बिल्डअप हो जाएगा आई स्टार्ट अगेन यू नो डूइंग गेमिंग वीडियोज एंड ऑल। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, होप सो मेरी इन ट्रेजेडीज़ के बाद इतने सारे मुश्किलों के बाद आई अगेन यू नो पिकअप माई पीस। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा जिसे आप दबा लीजिएगा और उसके बगल जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी दबा लीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। सो गाइज अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।